गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लघुगणकीय व चर घातांकीय फलनों का अवकलन। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बेस कितना लिया गया है ई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, जहाँ पे स्टूडेंट्स लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड log of a, और a के लिए कुछ कंडीशन होता है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a, यहाँ पे बेस e था और यहाँ पे क्या है देखिए बेस a है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/x इंटू log a, जहाँ x ग्रेटर देन 0, यानी सबसे पहले x को डिफाइन कीजिए एंड फिर a को डिफाइन करने के लिए a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लघुगणकीय फलन और चर घातांकीय फलनों का अवकलन का। कुछ स्टैंडर्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है एग्जांपल निम्न फलनों का अवकलन ज्ञात करें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है वाई को लिखा हुआ है एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स एक्स का होगा 1 और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। सेकेंड एग्जांपल है वाई इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स एक्स और लॉग, सबसे पहले ए टू द पावर एक्स का कीजिए तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस 1 इंटू ए टू द पावर एक्स। कॉमन आप क्या ले सकते हैं ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स कॉमन लगे तो यह बनेगा एक्स लॉग ए प्लस का 1। ओके नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर थर्ड वाई को लिखा हुआ है ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। जब स्टूडेंट्स इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला बनेगा देखिए क्या लिखा जा सकता है इसको स्टूडेंट्स, इसे स्टूडेंट्स हम लोग डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से ये बनेगा वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए माइनस का ए टू द पावर एक्स इंटू एक्स का 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। यदि दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर दे तो ये बनेगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए अपॉन एक्स माइनस का ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस ई और प्लस का क्या है स्टूडेंट देखिए साइन एक्स। यदि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा वाई डैश इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग ए प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स बेस ए, इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट देखिए बेस ए, तो लॉग एक्स बेस ए का जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स 1/x लॉग ए अब प्लस साइन एक्स का क्या होगा स्टूडेंट देखिए कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है यदि वाई इक्वल टू हो ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स। अब स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वाई डैश इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग
इंटू में लॉग एक्स, ये दोनों एक साथ, प्लस ए टू द पावर एक्स को एज इट इज छोड़ते हैं, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए वन अपॉन एक्स। एग्जाम्पल नंबर सिक्स क्या है, यदि वाई इक्वल्स लिखा हुआ मिले ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स, वाई डैश इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस ई टू द पावर एक्स को एज इट इज, एंड लॉग एक्स का कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए वन अपॉन एक्स। सेवन नंबर पॉइंट क्या है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। स्टूडेंट्स यदि हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो वाई इक्वल टू बनेगा ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस, इसका स्टूडेंट्स हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बनेगा वन अपॉइंट टू साइन टू एक्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो y डैश निकल के आएगा वो बनेगा e टू द पावर x का e टू द पावर x log x को एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस e टू द पावर x का एज इट इज छोड़िए, log x का 1 अपॉन x, प्लस में 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू में cos 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो हमारा y डैश बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ से y डैश वो रहेगा e टू द पावर x log x प्लस e टू द पावर x अपॉन x, प्लस में cos 2x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x प्लस e टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, y डैश इक्वल्स टू tan x का sec स्क्वायर x, और sec x का हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, प्लस ई टू द पावर एक्स का कितना होगा ई टू द पावर एक्स। नाइन नंबर लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू में टेन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा स्टूडेंट्स, वाई डैश इक्वल्स टू टू एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, टेन एक्स को एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस e टू द पावर एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, और टेन एक्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स वो बनेगा ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स माइनस का लॉग एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गया है, मान लीजिए हमारे पास y इक्वल्स लिखा हुआ है टू ई टू द पावर x प्लस log x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स, y डैश इक्वल्स टू टू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, एंड log x का कितना हो जाएगा वन अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y इक्वल्स टू ए टू द पावर x प्लस का ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स, वाई डैश इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग ए प्लस टू, और लॉग एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना वन अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स, तो इसका जो वाई डैश होगा स्टूडेंट, देखिए वन अपॉन एक्स इंटू log a प्लस e टू द पावर x का कितना होगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर x। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन सीखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।